2012 में जब पहली बार होंडा CBR 150 भारतीय मार्केट में लॉन्च हुई थी, तब यंगस्टर्स के बीच इस बाइक का अलग ही क्रेज था। Please, nope. For you also, there was a first time, right? You won't give up, will you? No. यामहा R15 की तरह 150 सीसी की ये फुल्ली फैट स्पोर्ट बाइक उस समय मार्केट में अवेलेबल सबसे अट्रैक्टिव ऑप्शंस में से थी। लेकिन समय के साथ जहां यामहा R15 भारतीय मार्केट में और भी ज्यादा पॉपुलर होती गई, वहीं होंडा CBR का नाम लॉन्च के 2-3 साल बाद ही मार्केट से खत्म होने लगा। हेलो राइडर्स, यह द डू ट्रेड शो और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में होंडा CBR 150 की जर्नी के बारे में और जानेंगे कि आखिर ये बाइक भारत में क्यों फेल हुई। साथ ही एंड में हम इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल नई CBR 150R के बारे में भी बात करेंगे और इसके भारतीय मार्केट में आने के चांसेस को एनालाइज करेंगे। सो लेट्स बिगिन। होंडा CBR 150 एक स्मॉल इंजन कैपेसिटी स्पोर्ट बाइक है जो 2002 से ही थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों में बनाई और बेची जा रही है। 2011 में हीरो और होंडा के अलग होने के बाद होंडा ने भारत में पहले CBR 250 और फिर 2012 में CBR 150 को लॉन्च किया था। उस समय भारतीय मार्केट में यामहा R15 के अलावा कोई भी फुल्ली फैट स्पोर्ट बाइक अवेलेबल नहीं थी। होंडा CBR का यूनिक फ्रंट एंड और वाइड टायर्स मस्कुलर और स्पोर्टी अपीयरेंस देते थे जो कहीं न कहीं R15 से थोड़ा बेटर था। लेकिन मार्केट में न्यू एंट्री और फ्रेश लुक्स के एडवांटेज के साथ भी होंडा CBR कस्टमर्स को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाई। ऐसा होने के पीछे मेनली दो रीजंस थे। पहला रीजन इसकी प्राइस और दूसरा इसकी परफॉर्मेंस। होंडा ने 2012 में CBR 150 को 1,16,000 की एक्स शोरूम प्राइस पर लॉन्च किया था। उस समय मार्केट में नॉर्मल 150 सीसी बाइक्स की प्राइस 60,000 से 70,000 तक होती थी। 1,07,000 की एक्स शोरूम प्राइस पर यामहा R15 1,00,000 से ऊपर के प्राइस पॉइंट वाली इकलौती 150 सीसी सेगमेंट बाइक थी। ऐसे में 1,16,000 की प्राइस पर लॉन्च हुई होंडा CBR 150 मार्केट में ऑलरेडी हिट चल रही R15 से भी महंगी थी। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस R15 के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी नहीं थी। इसका 149 सीसी इंजन 17 पीएस की मैक्सिमम पावर और 12.6 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता था, जबकि R15 का इंजन 17 पीएस की पावर के साथ 15 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता था। कम टॉर्क की वजह से CBR 150 की लो एंड मिड रेंज परफॉर्मेंस बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं थी। इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा लैगी था, जिसकी वजह से ये बाइक R15 के कंपैरिजन में काफी बोरिंग राइड एक्सपीरियंस देती थी। यानी कि CBR 150 सिर्फ दिखने में स्पोर्टी थी, परफॉर्मेंस में नहीं। इसी वजह से बहुत कम बायर्स ने R15 को छोड़कर CBR को चुना। उस समय यामहा R15 और होंडा CBR 150 मार्केट में सबसे प्रीमियम बाइक्स थी और इनकी प्रीमियम प्राइस को पे करने वाले ज्यादातर कस्टमर्स अपने पैसों की बेस्ट वैल्यू चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मार्केट में ऑलरेडी हिट चल रही R15 को खरीदना ही पसंद किया। होंडा ने CBR 150 को इस एक्सपेक्टेशन के साथ भारत में लॉन्च किया था कि ये बाइक मार्केट में R15 को टफ कॉम्पिटिशन देगी, पर एक्चुअल रिजल्ट इससे काफी डिफरेंट रहा। CBR 150 कभी भी R15 को रियल कॉम्पिटिशन नहीं दे पाई, ना ही मार्केट में और ना ही रोड्स पर। मार्केट में लगातार खराब सेल्स के बाद फाइनली 2017 में BS4 इमिशन नॉर्म्स लागू होने के बाद होंडा ने भारत में CBR 150 का प्रोडक्शन पूरी तरह बंद कर दिया। लेकिन इंडोनेशिया और कुछ दूसरी कंट्रीज में 2016 में ही न्यू जनरेशन CBR 150R लॉन्च हो चुकी थी। इस नई बाइक में होंडा ने ऑल न्यू डिजाइन और इम्प्रूव्ड इंजन के साथ अपसाइड डाउन फोक्स और स्लिप एंड असिस्ट क्लच का फीचर भी दिया। The real sports bike. Bigger racing sensation. The all new CBR 150R. भारत में ज्यादातर लोगों ने यही सोचा कि पुरानी CBR को डिसकंटिन्यू करके होंडा अब जल्द ही भारत में नई CBR 150R को लॉन्च करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2017 के बाद होंडा ने इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल CBR 150 में एक के बाद एक कई अपडेट्स दिए और इसे बांग्लादेश में भी लॉन्च किया, लेकिन भारत में CBR 150 की री एंट्री नहीं कराई। भारत दुनिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर मार्केट है और यहाँ होंडा की काफी सारी बाइक्स बिकती हैं। 150 सीसी स्पोर्ट बाइक कैटेगरी में न्यू CBR 150 जैसा अच्छा प्रोडक्ट होते हुए भी होंडा का भारत में इस सेगमेंट से दूरी बनाए रखना काफी इलॉजिकल लगता है। लेकिन रिसेंटली होंडा ने भारत में CBR 150R के लिए पेटेंट फाइल किया है,
जिससे एक बार फिर से भारतीय मार्केट में इस बाइक की री एंट्री होने के चांसेस दिख रहे हैं। नो डाउट फर्स्ट जनरेशन CBR 150 भारतीय मार्केट में फेल रही, लेकिन उस समय के यंग मोटरसाइकिल लवर्स के बीच इस बाइक की खास इमेज है। अगर आप भी उन होंडा CBR फैंस में से हैं, तो इस बाइक से जुड़ी अपनी मेमोरीज हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, ताकि बाइक्स और कार से जुड़ी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। राइड सेफ टू राइड अगेन, सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time, that is not a guy.